बैठे बैठे बैठो, ठीक बैठे हैं, बैठो। आप परेशान लग रहे हैं। कल हम मर जाएंगे। कम से कम आज के दिन तो ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। अब शुभ अशुभ हमको नहीं मालूम, कल साधुचरण हमको गोली मार देगा। अरे इतना आसान है क्या किसी को गोली मार देना? उसके लिए सब आसान है, 6 लाख रुपए कर्जा लिया उससे हम। हाँ तो आप पापा जी से कह दीजिए, वो पैसे लौटा देंगे। पापा जी देते तो हम उससे कहे लेते, और ये बात अगर पापा जी को मालूम पड़ा तो साधुचरण के पहले वही हमको मार डालेंगे। किसी के हाथ से कुत्ते का मौत मरने से अच्छा है कि हम खुद ही अब तक जा ले, खुद ही मर जाते। सलाम जान दे देते अपना। ये आप क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं आप? घर में एक ढंग का रस्सी भी नहीं है कि अपना जान ले सके। सुनो सुनो, ये दुपट्टा से भी तो फांसी लगता है ना। ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए इसे, छोड़िए। फांसी लगा आज ही हमारी शादी, और कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? क्या ड्रामे लगाए हैं आपने यहाँ पे? अच्छा यहाँ हमारा जान के ऊपर बना हुआ तुमको ड्रामा लग रहा है? पागल कर रही हो हमको? कल जब सचमुच खत्म हो जाएंगे तब जाके कलेजा ठंडा होगा तुम्हारा। अरे मर जाएंगे, कोई हमें मार देगा, इसके अलावा भी तो कोई उपाय होगा कि नहीं? है ना उपाय, तुम हो उपाय, तुम चाहो तो हमको बचा सकती हो। बोलो ना, बचाओगे ना तुम हमको? वैसे भी तुम पत्नी हो हमारी, मेरे मेरे प्राण का रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, बचाओगे ना? हाँ, अगर अगर हमारे बस में हुआ तो हम अपनी जान पर भी खेलकर आपकी जान बचा लेंगे। जान नहीं चाहिए तुम्हारा हमको, जान का तुम्हारे अचार डालेंगे क्या? बस तुम एक बार उसके पास चली जाओ तो वो हमको छोड़ देगा। क्या क्या कहा आपने? हम उसके पास चले जाएं? हाँ। आज हमारी शादी का पहला रात है और हम अपने पति को छोड़कर एक गैर इंसान के पास चले जाएं, और ये सब करने के लिए हमें हमारा पति ही कह रहा है। वाह, तो हम ही तो कह रहे हैं, मान काहे नहीं लेती मेरी बात? वैसे भी यहाँ तुम्हारा आज काम क्या है? उसको तुमसे कुछ जरूरी बात करना होगा इसलिए तुमको बुला रहा होगा, कम से कम हमारा जान तो बच जाएगा। बहुत ही नीच इंसान हो तुम, अभी कुछ ही देर पहले तुमने हमारे साथ में साथ फेरे लिए, और हमारी इज्जत हमारे सम्मान की रक्षा करने के लिए तुमने कसमें खाई, और अब जब अपनी जान बनाई तो वो सब भूल गए। किस तरह के इंसान हो तुम? सब समझ में आ रहा है हमको, सब समझ में आ रहा है हमको। तुम चाहती हो कि हम मर जाएं? हम मर जाएंगे तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, फिर कर लेना हमारे साथ शादी। सब हमारे जान के दुश्मन, हम हाथ जोड़ दें तुम्हारे, पैर पकड़ कर तुम जान बचा लो हमारी। देखो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि हमारी तकदीर और तुम्हारा दिमाग दोनों ही बहुत खराब है। प्यार तो साथ छोड़ के, लेकिन पति नहीं खोएंगे हम। साधु के पास जाना है ना? हाँ। जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी हमें एक वचन देना होगा। जो कहोगी सब मानेंगे, तुम जो कह दोगी सब मंजूर है, बस चली जाओ उसके पास। तुम्हारी शराब और जुए के बारे में और कुछ गंदी आदतों के बारे में हमें पता है, तुम्हें वो सब छोड़नी होंगी। छोड़ दिए हम? आज 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 से छोड़ दिए हम? अभी से छोड़ दिए हम? देखो तुमको विश्वास नहीं हो रहा ना, दिखाते तुमको अभी। रुको, कहाँ है? कहाँ है? अच्छा यहाँ पर है। क्या क्या कर रहे हैं आप? ये है ना बोतल, है ना, देखो तोड़ दी, बस चली जाओ उसके पास। ठीक है। लो आ गई।
भूल मती, वो तुम्हारे थप्पड़ की गूंज अभी भी मेरे कानों में सुनाई पड़ती है। क्या कहा था कि गाल पे नाम छप जाएगा? ना, गाल पे नाम नहीं छपता, उंगलियों के निशान छपते हैं। नाम तो साला दिल पे छप गया है, दिल पे। और अब तुम्हारे जिस्म पे इतने छापे लगाएंगे, तब जाके इस थप्पड़ की गूंज खत्म होगी। कसम खाए थे कि शादी तुम्हारी चाहे जिससे हो साला, लेकिन नथ हम उतारेंगे, हम। वेरी क्यूट। नारी को अपना मत समझ साधु चैन। हम कोई खिलौना नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कुमलांकी जरूर है, पर इतने भी नहीं कि तुझ जैसा दुराचारी अपनी मनमानी कर सके। तेरी हस्ती ना मिटाती तो कहना। ताए। थप्पड़ मारा था ना? क्या? छोड़ो मुझे! जीजा जी, शकुनी, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। तू क्या सोचा, हम तुम्हारा मदद कर रहे थे? हम तेरे को मदद नहीं कर रहे थे, हम तुमसे पाप करवा रहे थे ताकि तेरा पाप का घड़ा भर जाए। हम तो अपना मौत चुन लिए हैं, लेकिन उससे पहले अपनी बहन की हत्या का बदला जरूर लेंगे। अंजलि, तुम जाओ यहां से। मरेगा कमीने को तो हम देख लेंगे। अंजलि, चिंता मत करो। अमर, लेकिन तुम संभालो अपने आप को, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ तुम। भीम सिंह, मुझे पुलिस को ले। रुको अमर बाबू। कानून को अपने हाथ में मत लो अमर बाबू। इसके पाप की सजा कानून देगा बेटा। नहीं पिताजी, कानून के दांव पे से फिर बाहर निकल आएगा। इसने हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जब तक ये जिएगा, हमको चैन से जीने नहीं देगा। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको मारकर तुम जेल चले जाओगे, हमारा बुढ़ापा दूभर हो जाएगा। पिस्तौल फेंक दो बेटा। मत रोइए माँ, कुछ नहीं हुआ है हमें। आपके घर की इज्जत बिल्कुल सलामत है। अमर ने हमें बचा लिया। एक भाई था जो आपको प्यार करता था, वो भी हमको मारा। वाह, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है ना? मतलब नीलजता की तो तुम हद पार कर दिए हो। तुम्हारी जान बचाने के लिए हम
हम उस साधु के सामने अपनी अपनी इज्जत दांव पे लगा दो, तुम यहाँ बैठ कर शराब पी रहे हो। शर्म की बात करते हो तुम। आज तुम्हारे ही कारण हमारे भाई ने हमारे ऊपर हाथ उठाया है। एक ऐसा भाई जिसने कभी हमको छुआ तक नहीं, तिरछा निगाह से हमको नहीं देखा। ऐसा कौन सा जादू किया है तूने मेरे भाई के ऊपर कि एक भाई ही मेरा दुश्मन हो गया? और तुमने तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, इसकी सजा जरूर तुम्हें मिलेगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। सबसे पहले तुम्हारे अंदर से उस माता का भूत ही बाहर निकालते, ऐसे तुम नहीं मानोगी। तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ पागल हो गए। तुमने एक भाई को मेरा दुश्मन बनाया है। वो अमर मेरा वो भाई था जिसने मेरे लिए सबसे लड़ाई की। बाप ने कभी हाथ उठाया तो बाप का हाथ पकड़ा, गांव वालों ने पागल बोला तो गांव वालों को तोड़ा उसने, और आज उस भाई ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे गाल पे थप्पड़ मारा अंजलि सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रहे हो तुम?